इतनी तैयारी सिर्फ एक बर्गर खाने के लिए हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई माहौल की जिस तरह है ना कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ खास सेट नहीं है, तो बाहर मैं नहीं जा सकता हूँ। और यानी आई एम एस्थमेटिक ना, तो आजकल जो है स्प्रिंग का मौसम तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें पोलन ज़्यादा हो जाती है हवा में ना, सो आई एम एलर्जिक टू इट। तो भाई आप देख सकते हैं जो खाना मैं आज लेकर आया हूँ, भाई ये जो है पिज़्ज़ा, होए 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 होए, ये मैं दो जिंगर बर्गर अपने साथ लेकर आया हूँ। और ये हो गए भाई हमारे साथ सादा विंग्स जो होते हैं ना, और ये भाई ये कोई अलग ही किस्म का जो स्पाइसी है ना, ये आप देख सकते हैं इसका नाम पर नहीं, कुछ रेड स्पाइसी चिली विंग्स के कौन से विंग्स थे ये ना। और ये साथ में मैं तीन शॉर्मा लाया हूँ अपने साथ, तो भाई आज यहीं पर अपने कमरे में खाऊंगा, बड़े मज़े से खाऊंगा, इंजॉय करूंगा। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग भी देखकर एंजॉय करेंगे। तो हाँ, मैं लाया हूँ ये अपने साथ लिबनानी से, तो इनका मैं पहले भी खा चुका हूँ, इनका टेस्ट जो है ना मार्वलस है, बहुत ही ऑसम। तो भाई चले स्टार्ट करते हैं, मैं जिंगर बर्गर से स्टार्ट ले लेता हूँ ना, और आपको रिव्यू देता हूँ कि कैसे है इसका टेस्ट। बिस्मिल्लाह कर देते हैं भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। होए होए होए, माशाल्लाह, ये अंदर आप सॉस और ये चिकन देख सकते हैं। ओए होए होए, मजा आ रहा है यार सही। और खासकर ये सब कुछ सामने पड़ा है ना, दिल गार्डन गार्डन हो रहे हैं। इस वीडियो को जो है ना यार, एक तो इसकी स्क्रीन बार बार ऑफ हो जाती है, एक मिनट ऑन कर लूँ इसको। हाँ, तो ये वीडियो जो है ये आप एज अ मुकबैंग भी ले सकते हैं और एज अ फूड रिव्यू भी ले सकते हैं। ओए 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 ओए, ड्रिंक तो ऐसी चीज है ना कि इसके बगैर फास्ट फूड का कोई मजा ही नहीं है। खैर, हमने तो आजकल बहुत ही गलत आदत ली है, इसके बगैर तो एक घर का खाना भी जो है नहीं जाता है नीचे गले से। यार ये लोग जो है ना, मेरे ख्याल से बन अपने खुद ही बेक करते हैं लिबनानी वाले, क्योंकि इनका बन जो है ना इतना नरम और स्पंजी होता है ना, फ्रेश एवरी टाइम। अंदर जो चिकन है ना बिल्कुल नरम, अंदर से टेंडर, और बाहर से जो क्रिस्प है यार, मैं बता नहीं सकता जो मजा मैं इस वक्त ले रहा हूं इससे। तो
ये सब कुछ जो है मुझे कुछ पढ़ा है 1900 में, तो इनका जो जिंगर है इसके साथ ये फ्राइज भी आ जाते हैं ना थोड़े से, तो 180 का है ये, नहीं सॉरी 280 का है ये। चलिए यार ये स्पाइसी विंग जो है ये ट्राई करते हुए, ये रेड कलर आप देख रहे हैं ये फुल स्पाइसेस से भरा है, ऊपर से जो है ग्रीन चिलीज वो भी काट के दी है इसमें। तो चलिए भाई ओए 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 स्पाइसी बट ऑसम किस्म का स्पाइसी है, टेस्ट बहुत ही ऑसम है। शोरमा ट्राई कर लेते हैं भाई, ये मैंने जो है आज इनसे मैं सिंपल शोरमा लेकर आया हूँ, इनके पास जो है इसमें दो तीन वैरायटीज है शोरमा की, मैंने ज्यादातर इनके जिंगर शोरमा खाए हैं, ऑला इट्स आल्सो यस यस आल्सो ट्राई दैट। यार ये सॉस मैं देख लेता हूँ ना तो बस मेरी हालत जो है ना खराब होने लग जाती है, ये चीज यार बस ये फुल सॉस अंदर भरा हुआ है, चिकन चंक्स हैं, सैलेड वगैरह जो होता है ना, बट यार शोरमा मैंने बहुत खाए हैं लेकिन आजकल जो क्वालिटी है शोरमा की अच्छी नहीं है, बट दे आर स्टिल मेंटेनिंग इट, इनकी जो क्वालिटी है और यार गाइस चैनल हमारा लाइक कर दें, सॉरी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, और इसके अलावा अगर आप लोगों की साइट पे या मोहल्ले पे कोई भी स्पेशल खाना हो या इस तरह कोई इवेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ पर आए और वहाँ पर हम कवरेज लें उसकी। मज़ा ही मज़ा है यार, चारों तरफ मज़ा ही मज़ा है। आज वैसे भी मुझे बड़ी ख़राब किस्म की भूख लगी हुई थी ना, अच्छा ये वाले जो विंग्स हैं इनको अब एक शॉट देती हैं, दीज आर ऑल टाइम फेवरेट, हर किसी को ये पसंद होते हैं क्योंकि ये विंग्स जो होते हैं ना ब्रूस्टेड बेसिकली, बाहर से क्रिस्प अंदर से नरम, जो अपने स्पाइसेस इसके अंदर होते हैं क्योंकि इसको जो है दो तीन दिनों से मैरिनेट किया हुआ होता है इन लोगों ने ना, तो चलें इसका ये क्रिस्प अगर आप सुन सके, मुझे पता नहीं आवाज आएगी आप लोगों तक या नहीं, तो ये इसका क्रिस्प है भाई। वेल ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ इनका, यस यस है बहुत ऑसम है, क्रिस्पी बहुत जबरदस्त है, अंदर से वही सॉस सब कुछ, मैं इंजॉय कर रहा हूं भाई, उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो। अच्छा तकरीबन सब कुछ तो हमने ट्राई कर लिया है ना,
अब लास्ट जो है हम भाई ट्राई कर लेते हैं पिज्जा जो है इनका। मैंने इनका पिज्जा भी अभी तक कभी ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही है ये, आप देख सकते हैं। भाई 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 ओह ये चीज ओए 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 चले बिस्मिल्लाह करते हैं इस पे भी। बिस्मिल्लाहिर्रहीम फिलिंग बड़ी जबरदस्त है। टोमेटो सॉस जो इनके पिज्जा के अंदर जो टोमेटो सॉस फिलिंग होती है वो इनका थोड़ा सा चेंज है, बट जो टेस्ट बड्स है ना उस पर अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि टेस्ट खराब है या कुछ, बहुत ही अच्छा है। फिलिंग जो अंदर की हुई है हैवी फिलिंग है। स्मॉल पिज्जा मेरे ख्याल से ये दो बंदों का काम आराम से कर सकती है। 450 का इनका फजीता पिज्जा है, चिकन फजीता। इनके जो फ्राइज होते हैं वो भी अच्छे होते हैं वैसे, जिस तरह कुछ अच्छी क्वालिटी वाले या अच्छे मयार वाले रेस्टोरेंट्स हैं फास्ट फूड या कुछ, तकरीबन उसी तरह इनकी भी क्वालिटी है। मजा ही मजा है यार। बस लाइफ में दो चीजें हो ना, एक फूड दूसरा ट्रैवलिंग, हर जगह मजे हैं बस। बट ये चीज जो है ना यार नेक्स्ट लेवल की है। जिस तरह आपने कोरियन मकबैंग्स जो होते हैं वो स्पाइसी फूड खा रहे होते हैं, रेड रेड सॉस होता है, ये तकरीबन वही चीज़ है यार। ये रेड कलर, ये ऊपर से ये चिलीज जो डाली है ना, और टेस्ट भी ऑसम है। तो दिस थिंग इज ऑसम यार, मुझे बहुत ही पसंद आया है। ये फुल जो है अभी भी वेट है ना, ये अभी भी सॉस गिरी है इससे, और ये ग्रीन चिली इसके ऊपर। स्पाइसी है वो, अल्ट्रा स्पाइसी है। टंग जल रही है, गला पे गले पे लग रहा है, जल रहा है, लेकिन टेस्ट जो है ना वर्थ इट है। अच्छा मैंने तो सोचा था कि ये सब कुछ मैं खेल ही खा लूंगा ना, बट यार मेरी इतनी कैपेसिटी थी बस, और नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। सो आई टोल्ड यू बिफोर, उसी तरह एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दे जरूर, वीडियो लाइक कर दे, और आपके मोहल्ले में एरिया में कहीं भी आपको किसी आने वाले इवेंट का पता हो फूड रिलेटेड और एनीथिंग, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता दें, या आपके इलाके में कोई फूड हो या कुछ भी वो आप हमें बता दें कमेंट बॉक्स में, वील ट्राई आउट टू रीच आउट देयर। सो थैंक यू फॉर अभी तक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।